नमस्कार, मैं नीलम त्रिपाठी और आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जिला में 23 से 29 मई तक आयोजित किया जाएगा डीवार्मिंग सप्ताह। उपायुक्त ने डीवार्मिंग सप्ताह को लेकर जिला टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता। 1 से 19 वर्ष तक के लगभग 2 लाख बच्चों को निःशुल्क खिलाई जाएगी कृमि मुक्त की दवा। सभी विभाग आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को दवा खिलाना करें सुनिश्चित, उपायुक्त। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पंचकूला में उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत जिले में 23 से 29 मई तक आयोजित किए जाने वाले डीवार्मिंग सप्ताह को लेकर जिला टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। डीवार्मिंग सप्ताह के दौरान 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमि मुक्त की दवा खिलाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि अभियान के तहत जिले के आशा, ANM व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा COVID-19 के सभी सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए घर घर जाकर 1 से 19 वर्ष के लगभग 2 लाख बच्चों को निशुल्क कृमि मुक्ति की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों की अनुपस्थिति में माता पिता या अभिभावकों को किसी भी परिस्थिति में अलबेंडाजोल की गोली बाद में खिलाने के लिए नहीं दी जाएगी। श्री कौशिक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के 1 से 19 वर्ष के बच्चों को इसके लिए चिन्हित कर लिया है। कृमि मुक्ति सप्ताह आयोजित करने के लिए 23 से 27 मई तक एलबेंडाजोल की गोली सभी 1 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र के बच्चों को दी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे किसी कारणवश 23 से 27 मई तक दवा खाने से छूट जाएंगे, उन्हें 28 से 29 मई तक मॉप अप राउंड के तहत यह दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सभी विभाग आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए कृमि मुक्ति सप्ताह में 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को दवा खिलाना सुनिश्चित करें। माता पिता भी अपने बच्चों को दवा खिलाकर उनका अच्छा स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य बनाने के लिए इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग दें। बैठक में बताया गया कि कृमि संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एलबेंडाजोल की खुराक बच्चों को दी जाती है। कृमि संक्रमण से बच्चों में कुपोषण और खून की कमी होती है तथा थकावट होना, पढ़ाई में मन न लगना आदि व अधिक कृमि होने से जी मिचलाना, दस्त, पेट दर्द, कमजोरी, भूख ना लगना जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए हमेशा साफ पानी पिएं, खाना ढक कर रखें, खुले में शौच ना करें और हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें। इसके साथ साथ जब भी सरकार द्वारा कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाए वह सभी बच्चे समयानुसार लें। इस अवसर पर 1 से 7 मई तक एनीमिया उन्मूलन सप्ताह के दौरान जिला में अनीमिया उन्मूलन के लिए चलाई गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। बैठक में बताया गया कि किशोरियों में अनीमिया की अधिक समस्या रहती है। आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और उचित खानपान से अनीमिया से बचा जा सकता है। बैठक में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं व नवजात शिशुओं को सामुदायिक सहभागिता से उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई। सुरक्षा मातृत्व आश्वासन सुमन कार्यक्रम के तहत दी जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर उप सिविल सर्जन डॉक्टर मीनू शासन, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर नीरू, कार्यक्रम अधिकारी सविता नेहरा सहित स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।